मैं हूँ आपका दोस्त सूरज चौधरी। आज आपके लिए बहुत ही खास वीडियो लाया हूँ जो आज मैं बताने वाला हूँ। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्हें अभी भी माइंड में चलता है कि स्ट्रेचिंग है क्या, इससे क्या फ़ायदे। मैं उनको बता दूँ कि स्ट्रेचिंग एक ऐसी एक्टिविटी है, फिजिकल एक्टिविटी है, जो आपको प्रॉपर पोस्चर में रखता है, आपके क्रैम्प को, जो क्रैम्प आता है उसको रिड्यूस करता है, इंजरी को कम करता है, और फिर आपका ब्लड सर्कुलेशन अच्छा रखता है। तो ये सारी चीज़ें बोलते हैं एक्सरसाइज भी होता है। नहीं सर, एक्सरसाइज और स्ट्रेचिंग या दीज आर अ डिफरेंट थिंग। ओके, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो एक्सरसाइजेस करते हैं, एक्सरसाइजेस करने के बाद आपने ऑब्जर्व किया रहेगा कि ये एक्सरसाइज में हमारी बॉडी पूरी थक जाती है। किसी कितने लोगों को लगता है कि हाँ एक्सरसाइज कर लिया बस हो गया हम फिट हो गए। नहीं, ऐसा नहीं है। वर्कआउट किया, जिम में गया, वर्कआउट किया, मस्त एकदम बॉडी बना लिया, फिर उससे नहीं होता है। उसके लिए आप जाते हैं जिम में, आते हैं जिम के बाद जो मसल्स होते हैं, करने के बाद आप वर्कआउट करने के बाद आपकी मसल्स टाइट हो जाती है। जब टाइट हो उसको फ्री तो भी करना है, कैसे फ्री कर सकते हैं? फ्री करने के लिए हमें ज़रूरत है स्ट्रेचिंग की। तो स्ट्रेचिंग एक ऐसा तरीका है, एक ऐसा इनोवेशन है कि यह आपके बॉडी को एकदम फ्री रखता है, आपको एकदम प्रॉपर पोस्चर में रखता है, आपके मेंटलिटी पे भी इफेक्ट पड़ता है इसका। तो ये सारी चीज़ें जब आपको मिल रही तो आप क्यों नहीं करते हो? तो मैं आपको यही सजेशन दूंगा कि प्लीज़ आप जब भी आप वर्कआउट करते हो, एक्सरसाइज करते हो, तो प्लीज़ इसको फॉलो कीजिए और अपने आप को प्रॉपर पोस्चर में रखिए, स्ट्रेचिंग कीजिए। ठीक है, आज मैं जिस टॉपिक पे बात करने वाला हूँ वो टॉपिक बहुत ज़रूरी है। ज़्यादातर लोग होते हैं जो ऑफिस में काम करते हैं, घर पे काम करते हैं, जो लेडीज़ हैं उनको ज़्यादा प्रॉब्लम होता है नेक का और अपना बैक का। तो जो नेक का इशू होता है, और नॉर्मली हम लोग अगर रॉन्ग पोजीशन में सोते हैं या फिर रॉन्ग वे में सोते हैं, तो उसके कारण हमारे नस जो होती हैं वो दबने के कारण दर्द करती हैं। बहुत सारे जब प्रेशर आता है तो प्रेशर होने के कारण हमें क्या होता है, इस पर फोर्स आने के कारण हमारा नेक पेन होता है। तो ऐसे टाइम पर उसको क्या कैसे रिलीज़ किया जा सकता है, वो सारी चीज़ों को मैं आज बताने वाला हूँ इस वीडियो में। तो आप मेरे वीडियो को लास्ट तक देखिए। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो वीडियो देखते हैं पर सब्सक्राइब नहीं करते, न लाइक करते हैं। तो प्लीज़ उनसे रिक्वेस्ट है, प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए।